हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए मेरे गार्डन में बहुत ही प्यारे प्यारे से ये वाइट कलर के गुड़हल के फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, और ये देखिए टिकोमा ऑरेंज कलर में कितने सारे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, और ये देखिए येलो टिकोमा में फूल खिले हुए हैं। और पीछे देखिए ये नागचंपा में भी बहुत सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। फ्रेंड्स, आज वीडियो की शुरुआत करूंगी मैं एक मेरे पास पुराना थर्माकोल का डिब्बा पड़ा हुआ था, उसी का मैं आज यूज़ करके एक छोटा सा मिनिएचर गार्डन बनाऊंगी। चलिए फ्रेंड, अब इस गार्डन से अपने थर्माकोल के मिनिएचर गार्डन की तरफ चलते हैं, जिसको मैं आज बनाऊंगी। ये देखिए, ये मेरे पास एक पुराना थर्माकोल का डिब्बा पड़ा हुआ था, और जिसमें मैंने ये मिट्टी तैयार कर कर डाली हुई है। इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ी सी कोकोपीट और गार्डन सोइल, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फंगसाइड पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गोबर की खाद मिलाकर ये इसकी मिट्टी मैंने तैयार की है। और मैं इसके अंदर ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं इसको ऐसे ही एक टेबल के ऊपर छोटा सा मिनिएचर गार्डन तैयार करूंगी। और जो मैंने इसके अंदर प्लांट्स लिए हैं वो भी मैंने अपने गार्डन से ही लिए हैं। एक ये मेरे पास स्टैचू पड़ा हुआ था जिसका मैं इस्तेमाल करूंगी, और एक ये देखिए मैंने अल्ट्रा नेत्रा का प्लांट्स अपने ही गार्डन से लिया है, और दो मैंने ये रियो के प्लांट लिए हैं, और दो मैंने ये सनसेवेरिया के प्लांट भी अपने ही गार्डन से लिए हैं, और एक मैंने ये डेविल्स बैकबोन का प्लांट ये भी अपने गार्डन से ही लिए हैं। और इसमें मैंने एक रुपया भी खर्च नहीं किया है, और मैं अपना मिनिएचर गार्डन तैयार करूंगी। ये देखिए, ये डेविल्स बैकबोन का प्लांट जो है, इसको मैं ऐसे पीछे लगाऊंगी सबसे इस तरीके से। ये देखिए, इसको मैं इसके अंदर इस तरीके से लगा दूंगी। ये देखिए, और मैं अब इसके साइड में ये सेंसेवेरिया का प्लांट है, इसको भी मैं इसके अंदर इस तरीके से लगा दूंगी। ये देखिए, मिक्स एंड मैच करके थोड़े से प्लांट इसके अंदर मैं लगाऊंगी, तो ये बहुत ही प्यारा सा एक मेरा मिनिएचर गार्डन फ्री में तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं साइड में इसके ये रियो का प्लांट लगाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए, रियो का प्लांट मैंने इधर लगा दिया है, और मैं इधर इस साइड पे भी एक रियो का प्लांट इस तरीके से लगा दूंगी। ये देखिए, मेरे पास एक छोटा सा ये टुकड़ा पड़ा हुआ था टाइल्स का, जिसके ऊपर मैं ये स्टैचू ऐसे रख दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, और इसके आगे मैं लगाऊंगी ये थोड़ा सा अल्ट्रा नेत्रा का प्लांट, ये इस तरीके से मैं इसको लगाऊंगी इसके आगे से। मैं इसके आगे ये प्लांट लगा दूंगी। कुर्सी आ रही है। ये देखिए फ्रेंड, मेरा ये मिनिएचर गार्डन बनकर तैयार हो गया है फ्री में। देखिए कितना खूबसूरत ये मेरा मिनिएचर गार्डन बना है।
आपको मेरा ये छोटा सा मिनिएचर गार्डन कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।